मैं मुख्यमंत्री अमृत कुमार, आप सबसे मेरा आग्रह है कि कृपया आप सब अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आजादी के अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई सामाजिक और नैतिक चेतना अभियान के तहत दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में सोमवार को युवा संसद का शानदार आयोजन हुआ। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि खुद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, जबकि इनके साथ मंच पर नगर विधायक संजय सरावगी, जाले से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा, ग्रामीण विधायक ललित यादव और अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस युवा संसद में पूरे विधानसभा का नजारा देखने को मिले, जिसमें अलग अलग स्कूल और कॉलेजों से आए बच्चों विधानसभा अध्यक्ष तो कोई मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री और विधायक बने हुए थे। बच्चे शिक्षा से लेकर अन्य सभी मुद्दों पर ठीक विधानसभा की तरह ही बहस करते दिखे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में संसदीय परंपरा, संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक करना था। बाल युवा संसद के अध्यक्ष जो आदित्य आदि जी है, सभी सभा सदों माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबसे मेरा आग्रह है कि कृपया आप सब अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सदन की कार्रवाई शुरू की जाती है। अब प्रश्नकाल होगा। प्रश्न क्रमांक एक। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपया करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिले के 244 प्राथमिक मध्य माध्यमिक विद्यालय भवनहीन है, जिससे बच्चों में पठन पाठन में असुविधा हो रही है? यदि हो तो सरकार इस भवनहीन विद्यालय का भवन कब तक निर्माण करा लेने का विचार रखती है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रश्नकर्ता के आपके माध्यम के अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के विशेष योजना में भवन ही विद्यालय में भवन निर्माण है। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। मैं मुख्यमंत्री अमृत कुमार, मैं मद निषेध मंत्री नवनीत कुमार, मैं कृषि मंत्री परी कुमार, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री मनीषा कुमार, मैं शिक्षा मंत्री पूजन कुमार, मैं समाज कल्याण मंत्री नाम आराध्य मिश्रा, मैं स्वास्थ्य मंत्री नंदिनी कुमारी, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल कुमार, मैं विपक्षी पक्ष से सत्य प्रकाश, माननीय अध्यक्ष मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूंगी कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई नहीं हो रही, जिससे नालों एवं गड्ढों में गंदा पानी का जमाव हो जाता है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है। सरकार नाला उड़ाई का प्रबंध जल्द से जल्द करे। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक चार, माननीय सदस्य मुन्ना राज, का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। सरकार इसके अनुपालन एवं तीसरे लहर से बचाव के लिए कोई ठोस कदम उठाए। प्रश्न क्रमांक पाँच, माननीय सदस्य सुमित कुमार, दरभंगा महाराज का किला हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और समुचित रखरखाव के अभाव में ढहने के कगार पर है। सरकार इसकी मरम्मति, सुरक्षा एवं पर्यटन स्थल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। प्रश्न क्रमांक छह, माननीय सदस्य देव कुमार, सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका इस मिथिला की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प पूरे बिहार में जो अभियान छेड़ा है, अभी बिहार विधानसभा की
सुनिए, उस कोना में कौन है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, जरा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी ने जो यहाँ अभियान छेड़ा है पूरे बिहार में, 21 अक्टूबर 2021 को जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा के भवन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था, और उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान की शुरुआत माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा कराई थी, जिसमें 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्ति, हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, और हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण हो, पूरे बिहार में इस अभियान को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने छेड़ा है। आपने जो अभियान लिया है अध्यक्ष जी, यह निश्चित रूप से पूरे बिहार में आपने घूम घूम कर, बिहार में ही नहीं, जब देश के विधानसभाओं के अध्यक्षों की बैठक हुई थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में, उस बैठक में भी पूरे देश के विधानसभा अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, और वहां भी इनकी जो यह सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान है उसको मान्यता दी गई, पूरे देश में कहा गया कि नहीं, यह सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान पूरे देश में चलेगा, और यह बिहार के विधानसभा अध्यक्ष जी को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पहले हम लोगों ने संकल्प लिया था, अभी यहीं पर एक कार्यक्रम था विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जिसमें जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि के साथ साथ बुद्धिजीवी थे, पदाधिकारी थे, और उसके भी 20 मिनट की जो है लघु फिल्म है आज चलेगी, जिसमें हम लोग को संकल्प लेना होगा कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त हो, हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त हो। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये बाल युवा सांसद कार्यक्रम बिहार के 2 जिला में पहले हो चुका है, ये 3रा जिला दरभंगा में जुबली हॉल में आयोजित किया गया है। हम माननीय अध्यक्ष महोदय को इस मिथिलांचल के धरती पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रम इनके द्वारा ये निर्देश देने के लिए अध्यक्ष महोदय, आपने ये बाल युवा बाल सांसद कार्यक्रम का जो आयोजन किए हैं पूरे बिहार में, ये संसदीय लोकतंत्र इससे मजबूत होगा, और अध्यक्ष महोदय संसदीय लोकतंत्र में जिस तरह से हमारा युवा बाल सांसद हमारे सामने बैठे हुए, ये कल के कर्णधार है, भारत आपका है, इसी में से कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई देश के रक्षा मंत्री बनेंगे, हम लोगों का शुभकामना है आपको। एक काम किया है उनको मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद और सबसे ज्यादा स्नेह मैं इस बाल युवा संसद में बैठे हुए आप सभी बाल युवा संसद के विधायकों को, मंत्रीगण को, मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को, और सचेतक किरोर अदा कर रहे सत्य प्रकाश जी को भी मैं इस सदन के अंदर आपका अभिनंदन अभिवादन करना चाहता हूं। और मूल रूप से मित्रों, यहां जो हम लोग बैठे थे, अब सरकार का कोई जवाब नहीं है, सरकार का जवाब आज के सदन में मुख्यमंत्री जी ने, अमृत कुमार जी ने बखूबी दिया, और सरकार को जो जिस शालीनता में जवाब देनी चाहिए, जिस नफीकुली भाषा में जवाब देनी चाहिए, सरकार ने अपना काम बखूबी किया है। सरकार कुछ नियम कानून से बंधा होता है, सरकार सबका है, सरकार में न कोई पक्ष है न विपक्ष है, ये पक्ष और विपक्ष की बात, कई बार विपक्ष में बैठे लोग अपने को विरोधी दल मान लेते हैं, और उनको लगता है कि सरकार के सभी बात का विरोध करना ही मेरा कर्तव्य है। जनता शायद इसी के लिए तुमके सदन में हमको भेजी है कि सरकार जब हां कहे तो मुझे ना कहना,
और जब मैं नाथ हूँ सरकार जब नाथ है तो मुझे हाथ कहना है। ये तो बड़ी बंद की स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने यहाँ है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कुछ बंद से निकलना। सर देश की आजादी के बाद विरोधी दल किस बात का? ये दोनों ही के टूटने का काम इसी देश की जनता ने किया है, इसी बिहार की जनता ने किया है। तो एक सत्ता पक्ष है और दूसरा उसका प्रतिपक्ष है, दूसरा पक्ष है। जब सत्ता पक्ष अगर खड़ाती है तो प्रतिपक्ष सही प्रतिपक्ष उसको सही राह दिखाने का काम करती है। लेकिन जब इस देश के अंदर कई बार कई अच्छी चीज ज्यादा तो अच्छा ही देखने को मिला, कभी कभी भटकाव भी देखने को मिलता है, तो उस भटकाव में आप लोगों को नहीं पढ़ना। सवाल जवाब बहुत बढ़िया प्रश्न आया, कई साथी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को रखने का काम किया। और जब सुश्री आलिया कलश उठी तो मुझे लगा कि अरे ये तो एकदम जो प्रोफेशनल जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो बार बार हाउस के अंदर बैठते हैं उस अंदाज में उन्होंने आसन का ध्यान आकृष्ट कराया और अपनी बात को रखा। मैं यहाँ देख रहा था जो जवाब देने में मिनिस्टर हेल्थ नंदिनी को बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से बात को रखने का, कृषि मंत्री ने भी अपने विषय को बहुत अच्छे तरीके से रखने का काम किया। उसने किसी विषय पर विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, तो आज जो विषय तैयार हुआ है वो संवैधानिक अधिकार और हमारा कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य तो है ही, हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। तो इस विषय पर बच्चों का पक्ष और प्रतिपक्ष खींच रहे हैं, साइड हो गया, पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग आपस में विमर्श करेंगे, तर्क देंगे। संवैधानिक अधिकार की बात अगर जो एक तरफ करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कर्तव्य की ही बात करेंगे। दोनों का आपस में इस तरह का विमर्श हो जो विमर्श सभी बच्चों को ध्यान में गंभीरता से लेना है। अजय जी एक बार सुना देखे, उत्साह देखने को मिला, क्या कहेंगे सर किस तरह का कार्यक्रम था और क्यों? हाथ लो यार। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष और भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर ये बाल युवा सांसद कार्यक्रम रखा गया है। बिहार गणतंत्र की धरती रही है और संविधान के प्रति हमारे बच्चों को अपना संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, और शताब्दी वर्ष जब हमारा आज़ादी का हो तो ये बच्चे अपने कर्तव्य के प्रति इतने सजग रहें कि यह राष्ट्र विश्व के अंदर एक नए पहचान और एक नए गौरव के साथ प्रवेश करें। सर एक और